सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। तो आईपीएल 2021 पोस्टपोन होने के बाद अब सभी क्रिकेट प्रेमी और खास तौर पर भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर टीम इंडिया का श्रीलंका दौरा कंफर्म हो चुका है। बीसीसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है, जो कि अभी टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करने वाली है, जहां पर भारत बनाम श्रीलंका के बीच काफी जबरदस्त रोमांचक T20 और ODI सीरीज खेली जाएगी। यह सीरीज ऑफिशियल तौर पर कंफर्म हो चुकी है, सीरीज तय हो चुकी है। इस वीडियो में आपको बताने वाले कि टीम इंडिया श्रीलंका के दौरा कब करने वाली है और इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच कितने ओडीआई, कितने T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, सारे मुकाबले कब और कहां पर खेले जाएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले भारत के श्रीलंका दौरे के बारे में, जहां पर आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ भारत की सेकंड टीम होने वाली है, भारत की बी टीम होने वाली है, जिसमें कई सारे शानदार युवा जबकि T20 और ODI स्पेशलिस्ट खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देंगे, में नाम पृथ्वी शाह, शिखर धवन, जबकि सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार समेत ये सभी खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे श्रीलंका के खिलाफ। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इस टीम की तरफ से नहीं खेलेंगे, जबकि हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा भी नहीं खेलेंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी समेत कई एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस सीरीज में नहीं खेलने वाले हैं। क्या है वजह, इस वीडियो में हम आगे आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। तो बात करते हैं भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे के बारे में। तो टीम इंडिया श्रीलंका के दौरा करने वाली है जुलाई के महीने में और इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जुलाई के महीने में खेली जाएगी 3 वनडे मैचों की बेहतरीन सीरीज और 5 T20 मैचों की एक बड़ी सीरीज खेलेगी। तो भारत बनाम श्रीलंका के बीच यह सीरीज काफी रोमांचक, काफी जबरदस्त होने वाला, वो इसलिए क्योंकि यहां पर टीम इंडिया की ए टीम नहीं बल्कि बी टीम खेलने वाली है श्रीलंका के खिलाफ 3 ODI और 5 T20 मैचों की सीरीज। वो इसलिए क्योंकि वो खिलाड़ी चुने जाएंगे जो खिलाड़ी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी, उसके लिए जो खिलाड़ी नहीं चुने गए वो सभी खिलाड़ी हमें इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच होने वाली ODI और T20 सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे। जो टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड जाएगी, वो टीम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलने के बाद वहीं पर रहेगी, क्योंकि उसके बाद वो सभी खिलाड़ी, पूरी टीम प्रैक्टिस में लग जाएगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच, जो आगे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी इंग्लैंड में ही। तो भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 4 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक खेला जाएगा। तो बीच में जो लंबा गैप बचता है उस दौरान भारत की बी टीम श्रीलंका दौरे पर जाएगी जुलाई के महीने में और 3 ODI और 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए भारत की टेस्ट टीम का जो अनाउंस हुआ है वो सभी खिलाड़ी इंग्लैंड में ही मौजूद रहेंगे, वो दोबारा भारत या फिर श्रीलंका नहीं आने वाले, क्योंकि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की तैयारी भी करनी है और अगर वो भारत या फिर श्रीलंका आते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन का पालन करना पड़ेगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं था भारतीय टीम के लिए। इस वजह से बीसीसीआई ने फैसला लिया कि यहां पर भारत की बी टीम जाने वाली है श्रीलंका के खिलाफ T20 और ODI सीरीज खेलने के लिए। तो टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी उसके लिए जिन जिन खिलाड़ियों को चुना गया है तो वो सभी खिलाड़ी वहीं पर रहेंगे इंग्लैंड में, लेकिन जिन जिन खिलाड़ियों को नहीं चुना गया वो सभी खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ ODI और T20 सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो श्रीलंका के खिलाफ खासतौर पर हमें शिखर धवन खेलते हुए दिखाई देंगे, जबकि पृथ्वी शाह, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन समेत कई सारे शानदार और युवा खिलाड़ी मौजूद होंगे, जबकि हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल समेत ये सभी खिलाड़ी चुने जा सकते हैं श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए। तो फिलहाल ये सीरीज ऑफिशियल तौर पर कंफर्म हो चुकी है, 3 ODI और 5 T20 मैचों की एक बेहतरीन सीरीज खेली जाएगी जुलाई के महीने में। टीम इंडिया की ए टीम नहीं बल्कि बी टीम खेलने वाली है, सीरीज कंफर्म हो चुका है, अभी डेट आना बाकी है कि कौन सा ODI या फिर कौन सा T20 मुकाबला किस तारीख को कहां पर खेला जाएगा और कितने बजे से स्टार्ट होगा। जैसे ही पूरा कंफर्म शेड्यूल और कार्यक्रम अनाउंस होता है सभी मैचों का, आपको इसी चैनल क्रिकेट सुपर फैंस पर उसकी जानकारी सबसे पहले दे दी जाएगी। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास हर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें।